आज का जो दिन है जहां पर दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं, लाल झंडा भी दिखा दिया गया है, तो ये जो सारी बातें हैं वो कहां तक मुमकिन है? क्योंकि जहां तक मीडिएशन की बात है वो कोशिश भी कोई बड़े स्तर पर दिख नहीं रही, कोई कोशिश हो भी नहीं रही है। तो ये कहना कि ईरान पे सैंक्शन हटाया जाए और पैलेस्टीन को राइट दिया जाए, ये सब तो आइडियल सिचुएशन में हो सकता है, अभी क्या वो हो मुमकिन है क्या? सर अभी तो ये स्थिति इस वजह इस बिंदु तक पहुंची है क्योंकि अभी तक दोनों पक्ष सिर्फ शॉर्ट टर्म नीतियां अपना रहे हैं। अगर आप अभी की समस्या देखें, हनीये के असासिनेशन से भूमि पे जो सैनिक जो मिलिट्री इक्वेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ सकता है क्योंकि उसका हनीये का इसमें कोई रोल नहीं था, तो इसकी क्या जरूरत थी? वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट शायद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का है जिसमें इजराइल की सुरक्षा नहीं उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व की बात है, इसकी वजह से हुआ। जहां तक लेबनन की बात है उसमें जरूर इजराइल का एक इंटरेस्ट है क्योंकि वहां पे उनकी जो नॉर्थ इसराइल में जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है उसमें लगातार लेबनन की तरफ से और हिजबुल्ला की तरफ से गोलाबारी हुई है जिससे करीब 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, तो वहाँ तो उनका हक बनता है। लेकिन हनीये का ईरान की भूमि पे असासिनेशन करने से इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम बजाय शॉर्ट टर्म स्टेप्स के जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उस पर भी ध्यान दें साथ में।